हेलो ब्रदर, सुना है? यस और नो? यस गुड। उसके एक्सटेंशन बताएं, वो मुझे क्या होती है? एक्सटेंशन समझते हैं? .pdf एक्सटेंशन बताएं क्या होती है? वैसे सबको जो बाद में फाइल के बाद में लिखा, दैट इज एक्सटेंशन, राइट? .pdf अगर वर्ड्स ऑफ यूज करते हैं, एक्सटेंशन क्या होती है? ठीक है ना। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सब जैसे फायरफॉक्स को यूज कर रहे हैं, मोज़िला फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, या नेट एक्सप्लोरर कर रहे हैं, गूगल क्रोम कर रहे हैं, तो ये ऐसे हैं कि एक सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटी निकालने का मतलब है जितने लोग भी उसको यूज कर रहे हैं सबको एक साथ पकड़ लो, सबको एक साथ अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस लेवल पे क्राइम करना शुरू किया, हैकर्स थे जो क्रिमिनल्स, उन्होंने इस लेवल पे क्राइम करना स्टार्ट किया। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन ऑफ ईमेल ग्रिड रैपिडली फ्रॉम मिड 90s ऑनवर्ड जनरेटिंग टॉरेंट्स ऑफ अनपीसफुल कमर्शियल एंड प्रोटेक्टेड ईमेल्स। अब सिस्टम का पता लग गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लग गया, वल्नरेबिलिटी कैसे मतलब निकाली या क्या सोच थी, बेसिक्स क्या है वो पता लग गया। अब इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट के थ्रू क्या है? जैसे आपके फोन, जैसे आपका फोन है, एक फोन नंबर हो गया उसका, कुछ फोन में ऑप्शन आता है जिसमें आप मतलब ब्लैक लिस्टेड कर देते हो किसी नंबर को, कोई कॉल नहीं आता, राइट? लेकिन मोस्टली जिसके फोन में एप्लीकेशन नहीं है वो काट ही सकता है, ऐसा नहीं कर सकता कि फोन ना आए। अगर कोई परेशान करना चाह रहा है तो वो करेगा ही करेगा। बात समझ आ रही है ना? अब तक किसी आइडिया नहीं, एयरटेल ने ऐसा तो ऑप्शन नहीं निकाला ना कि सर इस नंबर से आप परेशान हो, ये नंबर मुझे रजिस्टर करा दो, इससे कॉल नहीं आएगी। नहीं निकाला ना, ना निकलेगा, ना निकलेगा। क्यों ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल? कमर्शियली उनको इफेक्ट, कमर्शियल इफेक्ट पड़ेगा। कैसे? हाउ कैन यू से दिस? इट्स नॉट अबाउट सिक्योरिटी, ये तो सिक्योरिटी के लिए ना, सिक्योरिटी अच्छी चीज है, क्यों इफेक्ट पड़ेगा भाई? अगेन फोन क्यों यूज होता है? कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। आपने ऐसा भी देखा होगा एक नंबर अगर यूज करें, मैं आपको मोबाइल के बारे में भी बता रहा हूँ, सिम कार्ड वगैरह नंबर के बारे में, एक नंबर आप यूज कर रहे हैं कुछ टाइम तक आपने यूज नहीं किया तो वो सिम जब कहते हैं ना रिजेक्ट हो गया है, खराब हो गया है, कुछ टाइम बाद वो सिम नंबर किसी और को दे देते, अलॉट कर देते ना, री अलॉट हो जाता है, री अलॉट कर देते उसको। इसीलिए अगर किसी और को मिल गया फिर, बात समझ आ रही है? दीज आर द थिंग्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, साइबर क्राइम टॉप 20 कंट्रीज। India stands 11th in the ranking for cybercrime in the world, constituting 3% of global cybercrime. Here it is. All over the world, jitna bhi crime hota hai, 3% responsible kaun hai? India. 11th rank pe aata hai. Next slide. Ab baat karte hain type of cybercrime. कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो साइबर क्राइम बहुत टाइप के होते हैं, तो मैंने पता नहीं आपको कितनी चीज़ें बताई होंगी, लेकिन हमने क्या किया, कैटेगरी डिफाइन कर दी है। क्या? टारगेट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, यानी एक साथ सारे कंप्यूटर को इफेक्टेड करना। जैसे हम ये बात कर रहे हैं, मैंने बताया ना विंडोज यूज कर ली, या अडोब में निकाल लिया, या एमएस वर्ड में कुछ निकाल लिया, ठीक है? और एक होता है पर्सनल कंप्यूटर, एक कंप्यूटर डिवाइस, एक को करने के लिए। एक को करने का रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है अगेंस्ट पर्सन, यानी कुछ पर्सनल यूज से कुछ हमें हैकिंग दिखानी है पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसी जो पर्सन है जिसके ऊपर इंडिविजुअल हम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को लेके, क्या अगेंस्ट गवर्नमेंट, पर्सनल कंप्यूटर डिवाइस अगेंस्ट गवर्नमेंट, चाहे वो यहाँ की पार्लियामेंट वेबसाइट हो, चाहे गवर्नमेंट वेबसाइट हो, सब जानते हैं, इवन चाहे इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट हो, CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो, आई दिन हैक होती है, सबको अच्छी तरह पता है। इवन अगर मोस्टली ऑफ द पीपल, अगर आज कोई बोले कि फॉर्म फिलअप करना है तो शायद वो भी चलती नहीं है, एक दो रात के लिए चलेंगे सर्वर डाउन, सो मीनिंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो ये सर्वर डाउन जो वर्ड एक आप लोगों ने सुना है हमेशा वेबसाइट में सर्वर के जाते हैं, सर्वर डाउन हो रहा है, ये वर्ड बड़ा फेमस है, मतलब जानते हैं जैसे इंटरनेट फेमस है ना, सर्वर डाउन एक बड़ा सही सा वर्ड है जो हर कोई बोलता है, बड़े एजेड से अंकल हो गए ना। अब सर्वर की एफिशिएंसी से ज्यादा आप उसकी एप्लीकेशन को यूज करें, आपको वेबसाइट कैसे चलते हैं बेसिक्स पता है सर को? कुछ आइडिया है? आपने google.com डाला, google.com कहाँ से आया आपके पास? और गूगल को कैसे पता कि आप लोकेशन है और आप कहाँ भेज रहे हो, कुछ बताइए क्या ये क्या होता है सर? कुछ सर्वर गूगल से सर्वर से आप कनेक्टेड हो,
बेसिकली आपको बता देता हूँ बस एक बेसिक सी बात कि एक वेबसाइट है एक सर्वर है। वेबसाइट बेसिकली क्या है? क्लाइंट है। क्या है? क्लाइंट क्या होता है? सर्विस को लेता है। सर्वर कौन होता है जो सर्विस को लेता है? आपने google.com डाला, आप भी क्लाइंट हैं, आप गूगल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज आप google.com हमें दे दो। ये रिक्वेस्ट कहाँ गई? गूगल के। गूगल ने आपको उठा के दे दिया। सर्वर किसका है? गूगल का, ठीक है ना। और होस्टिंग यहाँ पे हो रही है, आपके कंप्यूटर के अंदर चल रहा है, तो वो सर्वर है और ये क्लाइंट है। सर्वर नाम का सेम यही है कि एक बैंडविड्थ बनती है। वर्ड को बोलते हैं बैंडविड्थ, जैसे आपने बोला ना एफिशिएंसी, सर्वर की एफिशिएंसी को बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जितना भी बैंडविड्थ एक सर्वर की होती है उससे ज्यादा उसको भेज देना। कहने का क्या मतलब है? छोटी सी विंडो है बैंडविड्थ, आप क्या समझे? दरवाजा समझो, खिड़की समझो, खिड़की छोटी खिड़की, ठीक है। अब उसमें से इतना बड़े बॉक्स आ सकता है, इतना बड़ा बॉक्स आ सकता है, तो इसलिए आप बैंक में गए, ठीक है। वहां इतनी जगह डिनाई का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी में नहीं, टेक्निकल से भूल जाए, डिनाई करना क्या होता है? डिनाई कर देना, मना कर देना ऑफ सर्विस, सर्विस को मना कर देना, बंद कर देना, ब्लॉक कर देना, डीएक्टिवेट कर देना, ये सारे एक ही वर्ड हो गए। अब ये क्या है? डॉस एक तरह का अटैक है। क्या है? अटैक। ये सारे अटैक्स हैं जो मैं आपको बात करूंगा, ये अटैक है। डॉस अटैक का क्या मीनिंग होता है? जैसे आपने बोला ना बैंडविड्थ, मैं भी बात कर रहा था बैंडविड्थ की, सर्वर डाउन, इसलिए मैं सर्वर डाउन की बात कर रहा था डॉस की वजह से। डॉस अटैक में होता क्या है? एक सर्वर मतलब एक पर्सन उस साइट पे मल्टीपल पैकेट्स भेजने शुरू कर देते हैं। पैकेट्स, मल्टीपल पैकेट्स। पैकेट क्या? google.com डाला, थोड़ा और क्लोज में जाते हैं, थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा हमें डॉस को घुमाने के लिए। आपने google.com डाला, आपके पास से एक पैकेट, जो होते हैं नेटवर्किंग पैकेट, क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग पैकेट। पूरा हेडर होता है, उसमें सब चीजें होती हैं, आपका आईपी एड्रेस, आपकी डिटेल, सब कुछ। वो कहाँ जाएगा? गूगल के पास। उसे आपकी रिक्वेस्ट है, वो एक रिक्वेस्ट पैकेट है, आपने भेजा, गूगल ने चेक किया, वो आपको रिप्लाई कर देगा google.com। डॉस में क्या होता है? इसको बोलते हैं डॉस डिनायल ऑफ सर्विसेज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डॉस अटैक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही यूजर बहुत सारे पैकेट भेज देता है, समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? और बोलते हैं डॉट, उन्हें बोलते हैं डॉट, DAUTHS, डॉट्स। डॉट्स क्या होते हैं? अनयूज्ड पैकेट, जिनका कोई मतलब नहीं होता, खावे खावे नतीजे से। आप कह रहे हो, आप बोले बेकार पेपर, आपकी तरफ से अगर समझा जाए तो रद्दी पेपर, बेकार, और जाके काउंटर पे डाल दिए, 100 पेपर डाल दिए, ठीक है। उन्हें बोलते हैं डॉट्स। उससे क्या होता है कि जो नेटवर्क है, जो सर्वर है, उसके पास एप्लीकेशन बहुत सारी आ जाएंगी, वो एक एक को रिप्लाई करेगा, रिप्लाई कर नहीं सकता क्योंकि डॉट्स है, क्योंकि उसमें रिप्लाई करने के लिए जो ऑप्शन चाहिए वो है ही नहीं, मैंने बताया ना रद्दी है। तो क्या करेगा? उस साइट का सर्वर डाउन कर देगा। बात समझ आई?